नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भिलवाड़ा लोकवाणी में। भारत सरकार के राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने शपथ पत्र में लड़कियों को बेचे जाने के मामले भिलवाड़ा जिले के 3 गांवों के दौरे के बाद कहा कि इन गांवों में करीब 46 लड़कियां गायब है जिनकी तस्करी, ट्रैफिकिंग या बेचे जाने की आशंका है। प्रियंक पत्रकारों ने जिले के ग्रामीण क्षेत्र में नाबालिग बच्चियों को शपथ पत्र पर लिखकर बेचे जाने के मामले को लेकर जांच के लिए आज विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने भिलवाड़ा जिले के जहाजपुर उपखंड के कई जगहों का दौरा कर वहां की जानकारी ली और स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों को भी इकट्ठा कर इस मामले में चर्चा की। इसे लेकर देखिए भिलवाड़ा लोकवाणी से पुनीत चपलोत की ये रिपोर्ट। आज हमने बच्चियों को स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट करके बेचे जाने वाले मामले की जांच के लिए भीलवाड़ा जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। हमने कुल मिला के 3 गांवों का दौरा किया। इंतुंडा, धोंड का टोला और रजवास, इन 3 गांवों में हमने कुल 4 स्कूल्स को विजिट किया। वहां के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, वहां के राशन की दुकान के डीलर, वहां के आशा कार्यकर्ता, ANM, पंचायत के सचिव, सरपंच, स्कूल के शिक्षा विभाग के अधिकारीगण इत्यादि, और साथ में पुलिस के लोग, राजस्व के लोग, स्थानीय प्रशासन के लोग, इन सबको इकट्ठा करने का उद्देश्य ये था कि हम ये फाइंड आउट कर पाएं कि क्या बच्चियों को आज भी बेचा जा रहा है। आयोग का उद्देश्य और तरीका एकदम स्पष्ट है। यदि बच्चियां स्कूल में हैं, आंगनवाड़ी में हैं, गांव में हैं, तो वो सुरक्षित हैं। जो बच्चियां गांव में नहीं हैं, उनकी ट्रैफिकिंग किए जाने का अंदेशा है। इन 3 गांव के 4 विद्यालय मिलाकर के कुल 46 लड़कियां ऐसी मिली जो स्कूल में नहीं पढ़ रही हैं। उन 46 में से 18 लड़कियां ऐसी मिली जिनके बारे में पता नहीं चल पाया कि वो कहां गई हैं। 28 लड़कियां ऐसी मिली जिनके बारे में बताया गया कि वो किसी रिश्तेदार के यहाँ हैं, दूर हैं, लेकिन वो गांव में नहीं हैं। हमने इन बच्चियों के माता पिता को भी बुलाकर बात करने की कोशिश की, बस्ती के प्रमुख लोगों को बुलाकर बात करने की कोशिश की, लेकिन सारे प्रयासों के बाद कुल मिला के 46 लड़कियां हमको 3 गांवों में गायब मिली जिनकी तस्करी किए जाने की, ट्रैफिकिंग किए जाने की, बेचे जाने की आशंका हमको है। इस पूरे मामले में जो बात हमको समझ में आई वो ये कि क्रिमिनल ट्राइब घोषित किए जाने के कारण एक जाति विशेष को पूरी तरीके से मुख्य धारा से काट के रखा गया है। हम प्रशासन से बोलेंगे इन 46 बच्चियों के अलावा जो भी इस समुदाय की बच्चियां हैं, एक एक बच्ची की मैपिंग की जाए, तस्दीक की जाए कि बच्चियां कहां हैं। स्टे अपडेटेड ऑलवेज विद भिलवाड़ा लोकवाणी न्यूज ऐप। हम लाते हैं ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए हर दिन। कभी भी कहीं भी देखें ताजा खबरें आपके मोबाइल पर। देखें न्यूज़ वीडियोस किसी भी टाइम।